बड़ी खबर मिल रही है, यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, आराधना मिश्रा विधायक दल की नेता बनी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐलान करेगा। तो बड़ी खबर, कांग्रेस खेमे में परिवर्तन, जहां पर यूपी कांग्रेस में अजय कुमार लल्लू को अध्यक्ष का पद मिला है, आराधना मिश्रा विधायक दल की नेता बनी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस में परिवर्तन की, जहां पर अजय कुमार लल्लू यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, आराधना मिश्रा विधायक दल की नेता। तो लंबे समय से एक कवायद चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका ऐलान करेगी। दो बार से विधायक हैं अजय कुमार लल्लू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बात का ऐलान करेगी कि उन्हें अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाएगा। हालांकि अगर पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो लगातार सक्रिय रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं कई मुद्दों पर। तो चलिए, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। तो अविनाश, जिस तरह से देखा जाए लाइमलाइट में थे, सुर्खियों में थे अजय कुमार लल्लू, और अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक हो सकती है? देखिए, इसमें लगता है तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, जिसमें अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की जाएगी। देखा जाए तो अभी शनिवार को ही प्रियंका गांधी से मिल के गए, तकरीबन 2 से 3 घंटे करीब मुलाकात भी चली थी उनकी प्रियंका गांधी के साथ। नया सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा को बनाया जाएगा, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी है और विधायक है प्रतापगढ़ जिले से। तो जाहिर तिवारी कांग्रेस में अब फेरबदल हो रहा है। प्रियंका गांधी खुद चाहती है कि 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस को सशक्त किया जाए, और उसी कड़ी में अब ये फेरबदल हो रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट, लेकिन अगर देखा जाए इस फैसले को लेकर, राहुल गांधी अभी है नहीं, तो क्या कुछ बैकग्राउंड रहा होगा अविनाश? देखिए, अगर हम जिस तरीके से बात करें तो प्रियंका गांधी जब से यूपी की प्रभारी बनी है, तब से अजय कुमार लल्लू उनके विश्वास पात्रों में से एक रहे हैं। अगर हम देखें तो सोनभद्र के उम्बा गांव में जब प्रियंका गांधी गई थी, तो पूरी पटकथा अजय कुमार लल्लू ने भी मिलकर लिखी थी, और खुद वो साथ मौजूद थे प्रियंका गांधी के। और लगातार जिस दिन से प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी बनी है, उसके बाद से कांग्रेस की जितने डिसीजन है लगभग सभी प्रियंका गांधी ही ले रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के ना होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त पार्टी का कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जो भी डिसीजन उत्तर प्रदेश कांग्रेस का है वो प्रियंका गांधी ले रही है, बाकी देश के डिसीजन सोनिया गांधी ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें राहुल गांधी के होने न होने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अजय कुमार लल्लू पिछले कई दिनों से, जब से प्रियंका गांधी प्रभारी बनी है, तब से ही वो लगभग प्रियंका गांधी के विश्वास पात्रों में से एक है, और अब उन्हें ही कमान मिलने जा रही है। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन, अजय कुमार लल्लू को अध्यक्ष पद, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब से कुछ ही देर बाद हो सकती है। सहयोगी अविनाश ने इस बात की जानकारी दी, 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है, और दो बार से विधायक रह चुके हैं और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं जब से उनको अध्यक्ष का पद मिला, और इसके बाद से शनिवार को मुलाकात भी हुई थी, 2-3 घंटे तक बातचीत चली थी, यानी इस चीज की प्लानिंग पहले से थी। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अजय कुमार लल्लू लगातार लगे रहे हैं और विश्वास पात्रों में से एक रहे हैं, और अब देखना होगा कि कांग्रेस की बागडोर जो नैया है वो किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, जो मुश्किलों में है। अदिति सिंह को हाल ही में नोटिस दिया था और सुर्खियों में रहे हैं पिछले कुछ दिनों से देखा जाए, या फिर लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं, प्रियंका गांधी के करीबी भी रहे हैं। पिछली बार मुलाकात की बात करें तो 2-3 घंटे चर्चा भी हुई थी, कयास जरूर लगाए जा रहे थे, अध्यक्ष पद के नामों की लिस्ट में जरूर शामिल थे, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब से थोड़ी ही देर में अजय कुमार लल्लू के ऊपर, अब दारोमदार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का